पढ़ा था एनजिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे की एनजाइम का चीजें होती कैसे है हो क्या रहा है और स्पीड कैसे आता है देखो एंजाइम कोई भी जो एंजाइम है जिसे हम नॉर्मली अगर हिंदी में बात किया जाए कि एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम को हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक ठीक है और उत्प्रेरक का काम होता है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में कोई भी अगर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस बायोकेमिकल रिएक्शन में अगर एंजाइम जुड़ जाए ये जो एंजाइम है अगर वो एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन में जुड़ जाए तो उस रिएक्शन की स्पीड को वो बढ़ा देता है उसके होने वाले फंक्शन को वो अच्छे से करता है और साथ ही साथ जो रिएक्शन अगर मान लीजिए एक घंटे में वन आवर में अगर कोई रिएक्शन होता था तो हो सकता है वो जो है रिएक्शन सिर्फ हाफ एन आवर में हो जाए सिर्फ आधे घंटे में ठीक है तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि एंजाइम जो है आपके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का, का काम करता है उसका अगर एक लाइन में कभी भी बताना हो आपको कि व डिज द एंजाइम डू मतलब करते क्या है? तो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं हैंक्शन जो जो, जो है बहुत लंबे चलने वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड को जो है एंजाइम्स जो है बढ़ाने का काम करते हैं ठीक है तो ये किस प्रकार से एंजाइम इस रिएक्शन को बढ़ाते हैं इस रिएक्शन को करते हैं उसे हम समझते हैं ओके अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है आप अगर उसको ध्यान से देखें तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो ध्यान देने लायक है पहला ये मान लीजिए अगर कोई भी एक रिएक्टेंट है ए जो रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है बी बना रहा है मतलब बी जो है ये क्या है आपका प्रोडक्ट है प्रोडक्ट मतलब बनने वाला जो परिणाम स्वरूप जो फल स्वरूप जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो है ए से क्या बना बी बना अब इसमें जो रेट है मतलब जो दर जिस दर से जो है आपका ए जो है वो बी में बदल रहा है वो रेट जो है हमेशा वो रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है के जो ए के लिए रहता है मतलब रिएक्टेंट का जिस चीज जिन चीजों से मल मिलकर आपका प्रोडक्ट बना है मतलब बी जो है वो बना है वो ए का जो दर है ए की जो दर होती है वो हमेशा क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है के कॉन्स्टेंट को हमेशा के से हम लोग संबोधित करते हैं अब यहाँ पर यह बताया गया है जिस प्रकार से आपका एक एंजाइम और एक सबस्ट्रेट ई e मतलब एंजाइम एस मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम मतलब उत्प्रेरक और सबस्ट्रेट क्या है सबस्ट्रेट हमको एंजाइम को देना पड़ देना रहता है हम लोगों को क्योंकि एंजाइम आगे का कार्य को कर सके क्योंकि बिना सबस्ट्रेट के कोई भी एंजाइम काम नहीं कर सकता तो पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले और वो क्या बनाए एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनाए ये जो ई एस लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि पहले सबसे पहले क्या होता है एंजाइम उसमें क्या होगा कि उसके बाद एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को पूरा प्रोडक्ट में बदल देता है तो ये पूरे रिएक्शन में दो रिएक्शन प्लेस ले रहा है एक नंबर वन वाला जहां पर एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर

अगर रिएक्शन नंबर वन जो हो रहा है ठीक है रिएक्शन नंबर वन जो हो रहा है उसकी अगर दर की बात की जाए तो वहां का कांस्टेंट उसमें क्या दो चीजें बस रहेंगी एक रहेगा enzyme, रहेगा एंजाइम दूसरा क्योंकि ये जो है दर हम निकाल रहे रिएक्शन का कभी भी जो दर निकालते हैं हम लोग वो दो किसके आधार पर निकालते हैं रिएक्टेंट के आधार पर अब रिएक्टेंट क्या होता है अगर किसी को नहीं समझ रहा होगा तो मैं उसे भी बता देती हूँ क्या होता है रिएक्टेंट देखिए अगर कोई भी ए प्लस बी मिलकर बनाते हैं सी प्लस डी तो ये जो है ये रिजल्ट है हमारा ठीक है रिजल्ट है मतलब बनने वाला प्रोडक्ट है जो हमने बनाया किन चीजों से मिलकर बनाया हमने ए और बी से को मिलाकर सी और डी बनाया तो ये जो आपके एरो के पहले के रहते हैं जिन चीजों से मिलकर कोई प्रोडक्ट बनता है वो हमारे कहलाते हैं रिएक्टेंट इसको नोट करके रखेंगे ताकि आपको याद रहे रिएक्टेंट किसको बोलते हैं जिन चीजों से मिलकर हमारे हम इंग्लिश में रेट बोलते हैं ठीक है रिएक्टेंट की दर हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है बदलती नहीं है कभी भी के रहती है कॉन्स्टेंट रहती है हमेशा एक जैसी रहती है जब तक कि कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट ना डाले पर्यावरणीय प्रभाव ना हो अगर अग, अचानक से एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया अगर एकदम से टेम्परेचर नीचे हो गया तब की बात अलग है लेकिन कभी भी रिएक्टेंट की जो दर होती है वो लग एक हमेशा एक जैसी रहती है मतलब क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है ठीक है अब बैक टू द जो हम लोग फिर से वापस आते हैं हमारे जिस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे उस पे, तो मैं यहाँ पर ये बता रही थी आप लोगों को कि हम लोगों को ये देखना है कि अगर ए मिलकर बना है बी तो यहाँ पर ए क्या है रिएक्टेंट है बी क्या है प्रोडक्ट है अब इसको समझेंगे हम कैसे कि कभी भी रिएक्टेंट जो रहता है मतलब ए जो है आपका क्या है वो रिएक्टेंट है तो उसका जो रेट रहेगा मतलब रेट का मतलब होता है दर दर जो रहेगा इज इक्वल टू के मतलब कॉन्स्टेंट काट रहेगा के से इसको दर्शाते हैं कॉन्स्टेंट को और ये जो है किसका है दर ए का है इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख दिया है ए लिख दिया है ठीक है अब हम बात करते हैं कि एंजाइम का रिएक्शन जब होता है तो सबसे पहले एंजाइम को हमको प्रोवाइड करना पड़ता है एक सबस्ट्रेट जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जब तक सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा तब तक एंजाइम काम नहीं करेगा तो पहले तो एंजाइम को हमको सबस्ट्रेट देना रहता है उसके बाद ये दोनों आपस में मिलकर प्लस हुआ प्लस हमने इसे लगाया क्योंकि यहाँ पर हम दोनों को मिलाना है इन लोगों को इन दोनों को मिलाना है सबस्ट्रेट हमने ऐड कर दिया जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं वैसे ही क्या होता है एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है ये ई एस क्यों हुए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना लिए अब ये ई एक्स के कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो है आगे की प्रक्रिया में क्या होता है एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट को पूरा प्रोडक्ट में बदल देता है क्योंकि सबस्ट्रेट की सहायता से सह ही तो एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा ना तो यहाँ पर ई प्लस पी हो गया अब तो यहां पर दो रिएक्शन हो रहे हैं पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ये हुआ रिएक्शन नंबर वन और दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स के फलस्वरूप जो है एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को पूरा प्रोडक्ट में बदल दे रहा है तो एंजाइम का सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना ये है रिएक्शन नंबर टू तो अगर इन दोनों रिएक्शन में रेट की अगर बात की जाए दर की बात की जाए तो पहले रिएक्शन नंबर वन को देखते हैं सिर्फ इतने हिस्से को ठीक है मैं जहां कर्सर रख रही सिर्फ इतने हिस्से को देखिए तो सिर्फ इतने हिस्से को देखेंगे अगर आप रिएक्शन नंबर को तो ये रेट नंबर वन कहलाएगा क्योंकि रिएक्शन नंबर का रिएक्शन नंबर वन का रेट नंबर वन ये क्या कहलाएगा कांस्टेंट नंबर वन तो कांस्टेंट नंबर वन में रिएक्टेंट क्या चीज है रिएक्टेंट मतलब किन चीजों से मिलकर हो रहा है तो यहाँ पर रिएक्टेंट है ई और एस इसलिए यहाँ पर के वन और ब्रैकेट में लिखा है ई e और एस ठीक है अब रिएक्शन नंबर टू का रेट नंबर टू ये वाले रिएक्शन इतने हिस्से को देखिए अब जहां पर एंजाइम जो है क्या बना रहा है प्रोडक्ट तो बना रहा है सबस्ट्रेट से तो रेट नंबर टू का जो रेट uh, नंबर टू क्या होगा कांस्टेंट नंबर टू क्योंकि रिएक्शन नंबर टू है रेट नंबर टू है तो कांस्टेंट नंबर भी टू रहेगा और यहां पर जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या है ई e, एस है तो यहाँ पर हमने लिखा ई एस यहाँ पर ई प्लस एस इसलिए लिखा क्योंकि रिएक्टेंट ई प्लस एस था और यहां हमने इसलिए लिखा क्योंकि ई एस यहाँ पर रिएक्टेंट है रिएक्टेंट मतलब जिन चीजों से मिलकर आपका प्रोडक्ट बनता है है ठीक अब ये तो हमको दर पता चल गई हमको ये पता चल गया कि ये हमारा जो दर है ये दोनों चीजों का रहेगा और ये कॉन्स्टेंट रहेगा अब अगर हम सिर्फ रेट निकाले मतलब जिस स्पीड से आपकी प्रोसेस हो रही है उसकी उसके वेग को अगर हम नापे अगर वेलोसिटी को हम नापे वेग मतलब वेलोसिटी मतलब स्पीड को तो v इज इक्वल टू डी पी अपन डी टी यहाँ पर डीपी और डी टी क्या है इसको भी मैं बता देती हूँ जैसे देखिए आपका प्रोडक्ट बना पहले तो प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट किस चीज से मिलकर बना सबस्ट्रेट से मिलकर बना प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट किसने बनाया आपके एंजाइम ने एंजाइम ऐसी चीज है जिसने क्या किया इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया अब अगर हमको जानना है कि किस स्पीड से ये सब काम हो रहे हैं तो उसको जानने के लिए हमको वेलोसिटी वी को जानना जरूरी है तो वी का मतलब यहाँ पर dp अपॉन डी टी इसलिए है कि जिस पर्टिकुलर टाइम में आपका सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में बदल जा रहा है ये इसकी हुई पहली वेलोसिटी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट में बदल जा जाएगा तो टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं आप जैसे देखिए कोई भी काम जब होता है तो वो टाइम के साथ होता है पहले आपको एक थाली में आपको पूरा खाना दे दिया गया आपकी थाली में अगर चार रोटियां हैं उन चार रोटियों में एक मिनट में अगर आप दो रोटी खाते हैं तो चार मिनट में दो मिनट में आप चार रोटी खा लेंगे वही चीज टाइम के साथ चीजें बढ़ रही है ना टाइम के साथ आपका कार्य भी बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार से इस चीज को बताया गया है कि जैसे जैसे डेल्टा टी मतलब टाइम में जैसे, जैसे जैसे चेंज होगा वैसे ही प्रोडक्ट में भी चेंज होता जाएगा तो इसलिए यहाँ पर वी मतलब डी पी अपॉन डी टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे आपका सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में बदलता जाएगा और प्रोडक्ट की मात्रा भी बढ़ेगी और टाइम भी बढ़ रहा है आपका एक घंटे में मान लीजिए कि आपके दस प्रोडक्ट बने तो दो घंटे में आपके बीस प्रोडक्ट बन जाएंगे उस चीज को यहां पर बताया जा रहा है डेल्टा पी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ठीक है और अगर बात की जाए इसके रेट की तो यहाँ पर ये सभी चीजें हमने जो इक्वेशन किया है ये जितना भी इक्वेशन हमने किया इसका अगर सार निकाला जाए कि इससे हमको क्या पता चलता है तो इसका मतलब ये है कि रेट भी हमारा बढ़ रहा है दर भी हमारी बढ़ रही है जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही मात्रा हमको एंजाइम का भी रखना पड़ेगा और उतना ही ज्यादा हमारा प्रोडक्ट भी बनेगा ठीक है तो इसको मैंने कल एक ग्राफ बना के आप लोगों को समझाया था जिसमें मैंने आप लोगों को इस चीज को शेयर भी किया था इसको हम लोग इस तरीके से देख भी सकते हैं अल्टीमेटली हमको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है हमारा जो सबस्ट्रेट है अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो हमको उसके लिए काम करने के लिए हमारे एंजाइम को भी बढ़ाना पड़ेगा और जितना ज्यादा एंजाइम रहेगा जितना ज्यादा सबस्ट्रेट रहेगा उतना ही ज्यादा इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट भी बनेगा ठीक है जितना ज्यादा आप दा, चावल और खीर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा खीर बनेगी खीर बनाने के लिए हम लोगों को चावल और दूध की आवश्यकता होती है ना तो जितना ज्यादा चावल और दूध रखेंगे उतना ही ज्यादा खीर बनेगा लेकिन वही अगर आप सिर्फ थोड़ा सा चावल थोड़ा सा दूध लेंगे तो आपकी खीर भी कम बनेगी तो जो सबस्ट्रेट है यहां पर यहाँ पर ये यह सबस्ट्रेट और ये एंजाइम ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो सबस्ट्रेट बढ़ाओगे अगर आप तो एंजाइम को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सबस्ट्रेट क्या है मान लीजिए सबस्ट्रेट जो है आपकी क्या है चाबी है ठीक है आपकी चाबी है और एंजाइम क्या है आपका ताला है जहां पर ये चाबी लगती है तो आपके पास मान लीजिए चाबियां अगर आपके पास दस चाबियां हैं और ताला सिर्फ अगर आपके पास एक है तो क्या पॉसिबल है ये रिएक्शन होना क्या हर एक चाबी को लगा लगा के देखोगे क्या ताले में ऐसा नहीं है अगर आपके पास दस अगर आपके पास लॉक है तो उसके उसके लिए आपके पास दस कीज भी होनी चाहिए मतलब दस चा, ताले हैं तो दस चाबियां होंगी तब आपका रिएक्शन भी फटाफट होगा जितनी जल्दी ताला खुलेगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट भी बनेगा मतलब जितना ज्यादा सबस्ट्रेट उतना ही ज्यादा एंजाइम और उतना ही अच्छा खासा आपको मिलेगा प्रोडक्ट और अगर इसके बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें कि किस प्रकार से आपका ग्राफ प्लॉट होता है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम कुछ इस प्रकार से ग्राफ को बना सकते हैं अगर हमने मान लीजिए ग्राफ बनाया मैंने यहाँ पर जो है ये मैंने रखा है यहाँ पर सबस्ट्रेट एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे मैंने रखा है यहाँ पर वेलोसिटी अब मैंने थोड़ा सा सबस्ट्रेट डाला तो मेरा स्पीड भी कम रहेगा जितना ज्यादा मैं सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाऊंगी मेरी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ते जाएगी मैंने थोड़ा सा और सबस्ट्रेट बढ़ाया तो और स्पीड बढ़ गई अब जैसे ही मैं एकदम से बढ़ा दूंगी अपने स्ट्रेट को एकदम अधिकतम सबस्ट्रेट रखूंगी तो उतनी ही ज्यादा मेरी स्पीड रहेगी मेरी रिएक्शन की और जो मैक्सिमम स्पीड रहती है उसे हम बोलते हैं वी मैक्स ठीक है तो जितना ज्यादा मैं सबस्ट्रेट को बढ़ाऊंगी मेरी जो मेरे जो रिएक्शन की स्पीड है रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ते जाएगी और रिएक्शन की स्पीड जो मैक्सिमम लिमिट पर पहुंचती है तो वो कहलाता है हमारा वी मैक्स ठीक है इसे मैंने कल भी डिस्कस किया था आप लोगों को जब मैंने आप लोगों को एंजाइम कैनेटिक्स कल पढ़ाया था तो ठीक है तो ये हमारा हुआ वी मैक्स वाला कॉन्सेप्ट अब हम आगे देखते हैं इसके ये देखिए ये जो वी मैक्स वाला कॉन्सेप्ट है इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं मान लीजिए आपके पास जो है चार एंजाइम है एंजाइम नंबर वन एंजाइम नंबर टू एंजाइम नंबर थ्री एंजाइम नंबर फोर ये चार एंजाइम है आपके पास ठीक है इन चार एंजाइम्स की प्रत्येक की स्पीड जो है वो है टेन टेन पर सेकेंड मतलब आपका टेन रिएक्शन पर सेकेंड मतलब ये एक 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 एंजाइम में रिएक्शन कर सकता है टेन रिएक्शन पर सेकेंड इसकी भी टेन रिएक्शन पर सेकेंड इसकी भी टेन रिएक्शन पर सेकेंड और इसकी भी टेन रिएक्शन पर सेकेंड मतलब चार एंजाइम में चारों की स्पीड प्रत्येक एंजाइम की जो स्पीड है वो कितने जो है एंजाइम कितने रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है दस रिएक्शन को मतलब दस रिएक्शन पर सेकंड मतलब एक सेकंड में दस रिएक्शन को ये कंप्लीट कर सकता है ठीक है तो इसे हमको समझने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि अगर मान लीजिए प्रत्येक एंजाइम की स्पीड दस रिएक्शन पर सेकंड है मतलब मैक्सिमम इसकी दर क्या होगी मैक्सिमम होगी चालीस रिएक्शन पर सेकेंड चालीस रिएक्शन पर सेकेंड ये 40 रिएक्शन पर सेकेंड इसलिए हुआ क्योंकि चार एंजाइम थे चार एंजाइम मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे और प्रत्येक की स्पीड अगर 10 10 रिएक्शन पर सेकेंड है तो चारों की स्पीड क्या होगी 40 रिएक्शन पर सेकंड्स होगी और ये 40 रिएक्शन जो फर्स्ट पर सेकेंड जो होगी ये मैक्सिमम स्पीड रहेगी इसके जिसे हम बोलते हैं वी मैक्स हमें हम इसको बोल रहे हैं वी मैक्स अब अगर बात की जाए वी मैक्स की तो वी मैक्स जो है जिस वी मैक्स का मतलब होता है जब कभी भी कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर रिएक्शन करते हैं तो जब मैक्सिमम स्पीड में पहुंच जाता है एंजाइम का रिएक्शन उस पर्टिकुलर रेट को उस पर्टिकुलर मैक्सिमम स्पीड को वी मैक्स हम बोलते हैं ठीक है अब अगर बात की जाए हाई कंसेंट्रेशन अगर सबस्ट्रेट का रखा है आपने तो आपका जो एंजाइम हो वह सैचुरेटेड हो जाएगा मतलब आपने अगर सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट जो है को बहुत ज्यादा हाई रखा है मतलब बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट आपने यूज करके एंजाइम का रिएक्शन करवाया है तो उस कंडीशन पे आपका एंजाइम जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगा आप सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है मतलब एंजाइम आपका ऐसा हो जाएगा कि जैसे मान लो ये एक कोई भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिसमें बहुत सारे आपके एंजाइम्स है आपके एंजाइम्स पूरे भरे हुए हैं हमने इसमें High amount of substrate डाल डाल दिया, बहुत सारे दिए, तो हो जाएगा, मतलब जाएगा सबस्ट्रेट जुड़ गया है एक एक सबस्ट्रेट जुड़ गया है कोई भी एंजाइम खाली नहीं है कंप्लीट मिल गए हैं जो एंजाइम है आपके सबस्ट्रेट के साथ ठीक है तो ये आपका सेचुरेटेड पर्टिकुलर सैचुरेटेड का स्टेट कहलाता है एंजाइम का उसके बाद अगर बात की जाए इवन इफ सबस्ट्रेट इज वेरी हाई देयर विल बी वी मैक्स मतलब इस कंडीशन में भी अगर आपका सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट पूरा substrate आपके एंजाइम ने कवर किया है, है एंजाइम तो भी जो स्पीड रहेगी वो वी मैक्स कहलाएगी मतलब मैक्सिमम स्पीड क्योंकि आपने सबस्ट्रेट बहुत सारा यूज किया है तो एंजाइम सब सबस्ट्रेट को यूज कर ले रहा है और उतना ही ज्यादा स्पीड से वो काम करेगा तो जाहिर सी बात है स्पीड क्या रहेगा आपका स्टिल बी वी मैक्स उसकी वी मैक्स ही रहेगी ठीक है इस चीज को आपका बताया जा रहा है इसमें आप क्या की वी मैक्स कैसे काम कर रहा है Vmax क्या होता है करके, थी? ठीक है ये था आपका Vmax. तो एंजाइम काइनेटिक्स में हम लोगों ने जो अभी तक के देखा उससे हम कुछ कुछ एजम्सन लगाते हैं मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि ये ये चीजें एंजाइम काइनेटिक्स में होती है एंजाइम काइनेटिक्स में हम अल्टीमेटली सिर्फ एक चीज पे ही फोकस करते हैं कि एंजाइम किस प्रकार से उस रिएक्शन को कर रहा है और किस प्रकार से उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है हम स्पीड के बारे में उसके एंजाइम सबस्ट्रेट कितना लग रहा है फिर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके बारे में ही पूरा स्टडी करते हैं हम एंजाइम काइनेटिक्स में तो मैं अभी आप लोगों को बेसिक बता रही हूं

उसी प्रकार से एंजाइम काइनेटिक्स को समझाने के लिए भी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए हुए हैं जिसके द्वारा हम, के द्वारा उनके तो चीजों को और ग्राफ प्लॉटिंग चीजों को हमने पढ़ा उसके बाद जो हमने चीजों को एक बार समराइज करें अगर कि हम लोगों ने क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं तो यहाँ पर एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि सबसे पहले तो कि आपका जो जो आपका एंजाइम जो रिएक्शन होने वाला है जिस सॉल्यूशन में आप रिएक्शन कर रहे हैं वो एक आइडियल बिहेव का होना चाहिए आइडियल बिहेव का इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर वो आइडियल बिहेव का नहीं रहा तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा ठीक है तो ये आइडियल बिहेव का होना चाहिए एंड दैट टू कभी भी कोई भी कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन का होता है, तो अगर उसमें दो रिएक्शन कभी भी एट एक तो जुड़कर तो जुड़ एक एंजाइम सबस्ट्रेट का बनाता है। और जो दूसरा रिएक्शन होता है उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट को पूरा प्रोडक्ट में बदल देता है तो वो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट होता है तो यहाँ दो रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रिएक्शन नंबर वन का अगर हम दर निकाले, निकाले तो यहाँ पर दोनों ई प्लस एस का ई e और एस का जो कांस्टेंट रेट है वो के वन कहलाता है और रेट नंबर टू में जो ई e, एस का जो कांस्टेंट रेट है वो के टू कहलाता है ठीक है तो यहाँ ये जितने भी कांस्टेंट हैं चाहे वो के वन हो या के टू हो ये जितने कांस्टेंट है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे ये कभी भी चेंज नहीं होंगे जब तक कि बहुत बड़ा परिवर्तन ना आ जाए तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे और ये कांस्टेंट किसके रहते हैं आपके रिएक्टेंट के ही कांस्टेंट हैं जिनके बारे में हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं तो ये कांस्टेंट आर कांस्टेंट्स आर इनडी कांस्टेंट तो ई की अगर बात की जाए प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन में एंजाइम का यूज किया जाता है और अगर k की बात की जाए तो वो कभी भी अगर अगर इन केस में कांस्टेंट k जो है आपका अगर, अगर, अगर चेंज होता है तो वो सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो तो और दूसरी चीज कभी भी अगर आपने सबस्ट्रेट यूज किया और सबस्ट्रेट के यूज से आपने एंजाइम रिएक्शन करवा के आपने प्रोडक्ट बनवाया तो कभी भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो एंजाइम के बिना हो जाए बिना एंजाइम के कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट नहीं बना सकता तो एंजाइम का होना बहुत आवश्यक है, है क्योंकि एंजाइम ही वो चीज है जो को किस में बदलता है प्रोडक्ट में बदलता है और ये बहुत जरूरी चीज है कि एंजाइम पहले के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए और उसके बाद उसे पूरा सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में बदल दे तो इस प्रकार से ये होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसमें एंजाइम का होना बहुत आवश्यक है ऐसा नहीं है कि बिना एंजाइम के आपने रिएक्शन करवाया और वो रिएक्शन हो भी गया तो कुछ इस प्रकार से आपका एंजाइम काइनेटिक्स का बेसिक जो है ये था आपका कुछ कुछ डेरिवेशनस कुछ कांस्टेंट्स वी मैक्स की वी मैक्स के बारे में था और और हमने हम लोगों ने एक समराइज भी कर लिया देख भी लिया कि क्या-क्या चीजें इसमें हुई अब यहाँ पर हम लोग एक इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला हमारा एंजाइम काइनेटिक्स खत्म होता है अब हम लोग जो कल की क्लास में पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एंजाइम काइनेटिक्स में जो अलग लोगों ने लॉ दिए हैं अलग अलग उनके लॉ के अकॉर्डिंग किस प्रकार से एंजाइम को हम समझ सकते हैं ठीक है